आज चंद्रा बाबू नायडू नीतीश कुमार से अलायंस है, वो बीजेपी के साथ में वहां पे अध्यक्ष महोदय वो रिजर्वेशन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय नीतीश कुमार रिजर्वेशन दे रहे हैं सर, बिहार में रिजर्वेशन है, कर्नाटक में रिजर्वेशन है, कौन सा लॉ ऐसा है कि जो महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं दे सकता। जिन दो चीफ मिनिस्टर के सहारे से आज पीएम मोदी वजीर आजम बने हैं उन्हीं की दो रियासतों में, यानी एक सीएम है बिहार के नीतीश कुमार और दूसरे सीएम है आंध्र प्रदेश के चंद्रा बाबू नायडू, इन दोनों के जो सीएम है स्टेट्स में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया, जबकि महाराष्ट्र में जो बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वहाँ पर क्यों नहीं दिया जा रहा। इस तरह से समाजवादी पार्टी के एमएलए महाराष्ट्र में जनाब अबू आसिम आजमी, उन्होंने आज 11 जुलाई 2024 बरोज जुमेरात महाराष्ट्र की असेंबली में बड़े ही दमदार तरीके से, बड़े निराले अंदाज में उन्होंने आवाज़ उठाई, कहा कि जब बीजेपी इन दोनों सीएम चीफ मिनिस्टर्स के दम पर जब सरकार बनाई है तो उन्हीं की रियासतों में जब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं दिया जा सकता। इस तरह से अबू आसिम आजमी ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अध्यक्ष महोदय हमेशा हाउस में महाराष्ट्र के विधानसभा में इसी हाउस में 2009 से 2013 के सेशन में मुसलमानों का रिजर्वेशन पास हुआ था। अध्यक्ष महोदय वो रिजर्वेशन जब पास हुआ था सब कुछ देख भाग के हुआ था कि कौन से कैटेगरी में हो सकता है कौन से कैटेगरी में नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन इमीडिएट दे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय वो दिन है और आज का दिन है, आज तक रिजर्वेशन मिला नहीं। इस हाउस में मराठा रिजर्वेशन की बात होती है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन जो लोग हमारा वोट भी लेना चाहते हैं वो भी हमारे रिजर्वेशन में बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय आज चंद्रा बाबू नायडू से आज चंद्रा बाबू नायडू नीतीश कुमार से अलायंस है, वो बीजेपी के साथ में वहां पे अध्यक्ष महोदय वो रिजर्वेशन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय नीतीश कुमार रिजर्वेशन दे रहे हैं सर, बिहार में रिजर्वेशन है, कर्नाटक में रिजर्वेशन है, कौन सा लॉ ऐसा है कि जो महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं अब ये आखिरी दिन है अध्यक्ष महोदय, कल के बाद से खत्म हो जाएगा और नया इलेक्शन होगा। आने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं अगर आश्वासन नहीं दोगे तो फिर याद रखना ये समाज बहुत क्रोध में है। अध्यक्ष महोदय हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और ये पानी हम ही पे हराम होगा। अध्यक्ष महोदय अगर यही जहनीयत रही तो मुझे इस बात का डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के डेवलपमेंट में काम करते हैं, अगर महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी तो महाराष्ट्र कभी भी विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता, डेवलप कंट्री नहीं कहा जा सकता। इस बात का मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऑर्डर कीजिए, मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।